यमुना तीरवन चारी, यमुना तीरवन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरवन चारी, जय राधा माधव हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा रमण राधा रमण राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल धर्म नाम संकीर्तन की जय। हरे हमारे मित्र भी है प्रकाश प्रभु। हरे तो आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रणाम। वाह माता श्री भी आज लेक्चर सुनने वाली। वाह वो एक्चुअली खुद के लिए सुना रहे हैं कि माता श्री के लिए लेक्चर सुना रहे हैं वो क्वेश्चन है। हरे कृष्णा जय महाराष्ट्र। हरे तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और हमारे इस अध्याय के अंतिम पड़ाव में हम सब ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णदृष्टाय कृतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम प्रकाश तुला म्यूट करायला लागेल। म्यूट तुझा जो आवाज आवाज असतो म्यूट करायला मागचा आम्हाला येत असता। हरे कृष्ण तो हम सब प्रथम स्कंद के 14वें अध्याय में हैं और इस श्रीमद् भागवत की जो अनन्य भक्ति की श्रृंखलाएं हैं और भक्तों का जो वार्तालाप है भगवान के प्रति जो प्रेम है निष्ठा है वो सब इस इन उदाहरणों से झलक रहा है। यहाँ युधिष्ठिर महाराज व्याकुल हो गए हैं कि ये जो मेरे इतने अच्छे सुराज्य में इतने अच्छे राज व्यवस्था होते हुए जहाँ सबका ख्याल किया जा रहा है ये ऐसे ऐसे जो सिम्टम्स हैं या ऐसे ऐसे जो आशंकाएं दिखाई दे रही हो क्या है। तो भीम से बताया फिर अर्जुन नहीं लौटा इसका दुख था क्या हुआ है। तो जबकि युधिष्ठिर महाराज एक तरह से बहुत महान भक्त है तो एक राजर्षि भी है उन्हें यह अंदेशा हो चुका था कि क्या हुआ है लेकिन वो बोल नहीं पा रहे।
जैसे व्यक्ति कई कई बार खुश होता है लेकिन व्यक्त नहीं कर पाता है ना, एकदम मतलब वो उसको समझ में नहीं आता कैसे व्यक्त हो, या कभी बहुत दुखी होता है व्यक्त नहीं कर पाता। तो अब ये जो दुखद चीज उनके मन में चल रहा है, क्या वो वही है? तो आसपास करके जब अर्जुन सामने आ गए तो उनसे पूछ रहे हैं, और क्या ऐसे हुआ, रानियां कैसे हैं, हमारे बलराम जी कैसे हैं, जो वहाँ के वसुदेव इत्यादि बड़े लोग हैं वो कैसे हैं, प्रजा कैसी है वहां की, द्वारका का सारा हाल ले लिया। लेकिन अभी भी उनको अभी देख रहे हैं कि अर्जुन अभी भी मुंह लटका के नीचे खड़ा है, ना अर्जुन कुछ बोल रहा है। तो अर्जुन की दुविधा को समझने के लिए कई बार ऐसा होता है, जो आपसे जूनियर है या आपसे सबॉर्डिनेट, यानी छोटे भाई के अर्जुन युधिष्ठिर को सबॉर्डिनेट थी, भले ही वो 1000 गुना बड़े योद्धा क्यों ना हो, लेकिन भाई की बड़े भाई के सामने वो सबॉर्डिनेट थे। ये धर्म है। धर्म का मतलब है आप जहाँ हो तो आपके सुपीरियर के सामने रिस्पेक्टफुल रहना और अपने आध्यात्मिक कार्यों को करना, ये होता है। पत्नी को भी पति के सामने सबॉर्डिनेट होना चाहिए, पति को अपने बड़े भाई पिता गुरु इनके सामने सबॉर्डिनेट होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को एक शरणागति का स्थान है और वो उसका मिठास है। तो यहाँ पे जो युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं अर्जुन की यह हालत, अब उनको उसके हालत से तो उनको अपनी हालत ही खराब है, क्योंकि अर्जुन आने से पहले भी उनका परेशानी था। तो उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे अर्जुन से। अब उनमें से 42वां श्लोक हम लोग पहुंचे हैं, आइए 42वां श्लोक लेते हैं। कच्चित्वं नागमो गम अगम्याम गम्याम वा सत्कृताम स्त्रियम पराजितो वाथ भवान भवान नोत्तमैर नाश्रमै नासमहि पथि। हैव यू कॉन्टेक्टेड अ वुमन ऑफ इम्पीचेबल कैरेक्टर, और हैव यू नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड अ डिजर्विंग वुमन, और हैव यू बीन डिफीटेड ऑन द वे बाय समवन हु इज इंफीरियर और इक्वल टू यू। तो यहाँ पे वो तीन सवाल पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। वो कह रहे हैं कि हैव यू कॉन्टेक्टेड अ वुमन ऑफ इम्पीचेबल कैरेक्टर, इम्पेकेबल बोलते हैं इंग्लिश का, ऐसी है ब्यूटीफुट, और ब्यूटीफुट नहीं होता वो बट होता है। तो यहाँ पे इम्पेकेबल कैरेक्टर की इम्पीचेबल मैं नहीं जानता, इतना इंग्लिश में रहा नहीं। तो हैव यू कॉन्टेक्टेड वुमन ऑफ इम्पेकेबल कैरेक्टर, यानी क्या आपने ऐसे किसी स्त्री जिसको जिसका संग तुम्हें नहीं होना चाहिए या तुम्हारा मुलाकात नहीं होना चाहिए, ऐसे किसी स्त्री के साथ आपने आपका संपर्क हो गया, और हैव यू नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड अ डिजर्विंग वुमन, या कोई बहुत ही एक लेडी है जिसको आपको ध्यान देना चाहिए और आपने उसका मतलब हेल्प करना चाहिए, ऐसे एक कोई लेडी का आपने हेल्प नहीं किया, ऐसे तो नहीं हुआ। और हैव यू बीन डिफीटेड ऑन द वे बाय समवन हु इज इंफीरियर और इक्वल टू यू, या ऐसे तो नहीं है कि आप जब रास्ते से आ रहे थे तो आपसे भी कोई दुर्बल है ना, दुर्बल है या इक्वल है, उसने आपको परास्त कर दिया हो। तो याद रखिए, अभी ये तो अध्याय इसमें खत्म हो ही जाएगा, लेकिन जो ही आप अगले अध्याय में जाएंगे तो सब हुआ था। युधिष्ठिर महाराज ऐसे नहीं पकड़े हैं। तो ये जो डिस्ट्रेस का कारण है ना, जो डिस्ट्रेस हो चुका है अर्जुन को, तो आप देखिए अगर ये डिस्ट्रेस हम अपने पास रखें, परास्त यानी फेल्ड, व्यक्ति जब हार जाता है तो जो उसकी जो अवस्था होती है वो अवस्था यहाँ पे दिखाई गई है। अर्जुन महान योद्धा है, गांडीव लगा दी तो किसी को नहीं डरता था वो, हाँ किसी से नहीं डरता था, ऊपर इसलिए नहीं डरता था कि मेरे पास कृष्ण है, जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन। हाँ तो भगवान का होना बहुत बड़ा मनोबल है। हमारे यहाँ पे फायर लगे तो हमारी टीटी को कुछ हो गया था, तो लिटरली अनाथ वाला फीलिंग इसे पहले नहीं आया था, लेकिन वो अनाथ वाला फीलिंग आने लगा, जबकि माता पिता भी धरती पे है, लेकिन भगवान नहीं है तो ऐसा लग रहा था हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कहाँ जाए। एनीवेज भगवान वापिस आ रहे हैं, स्वागत, उनको लाने में बड़ा बहुत भलो भलो का इसमें महान त्याग है, और मैं सभी को नमन करता हूँ। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्या ऐसे तो नहीं हुआ कि ऐसे व्यक्ति से आप हार गए। तो इन सिम्टम्स के बारे में प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत अच्छा अच्छा लिख रहे हैं। तो पहला जो पार्ट है कि हैव यू मेट अ लेडी ऑफ इम्पेकेबल कैरेक्टर, तो क्या होता है, अब ये रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म यानी क्योंकि अब यहाँ बात थोड़ा सा मटीरियल साइंस की हो रही है, क्योंकि
अर्जुन की आत्मा की बात नहीं हो रही, अर्जुन का जो क्षत्रिय व्यवस्था अवस्था है उस अवस्था से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा है। आत्मज्ञान का बोध करना है तो फिर परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी की तरह वो जा, और यार गीता में जो हुआ था महाभारत युद्ध में भगवान ने ज्ञान दिया था वो स्थिति अलग है। यहाँ पे वो उनको उनका इफेक्ट देख रहे हैं और इफेक्ट वो वर्णाश्रम से जोड़ रहे हैं। तो क्या है, ये रिलेटिव चीज है दुनियादारी। तो जब हम कहते हैं कि अरे ये व्यक्ति खूबसूरत है तो इसका मतलब है कि उसके नीचे वाले कम खूबसूरत है तुम्हारे नजर, और उनसे ऊपर वाले और खूबसूरत है, ऐसे आप इनडायरेक्टली इंडिकेट। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इम्पेकेबल कैरेक्टर मतलब क्या है कि तो यहाँ पे जो वर्ण आश्रम है तो क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण जो है ये व्यक्ति विचारधाराओं से आध्यात्मिक दृष्टि से जीते हैं और इनकी फिलॉसफी बहुत स्ट्रांग होती है, यानी वो जीवन के जो मूल सिद्धांत है वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और इनका आइडियोलॉजी जो है भगवान गॉड सेंटर्ड होता है, यानी भगवान को केंद्र बिंदु बना के जीते हैं। तो ब्राह्मण वर्ग वो वर्ग है जो पूर्णतया भगवान पे आश्रित, उनके दिए हुए विद्या पे, उनके दिए हुए मार्ग पे चलने का कार्य करते हैं, वो ब्राह्मण। और उनकी जो पत्नी है उनको ब्राह्मणी कहा जाता है, और वो उनका कार्य होता है कि उनको सब मालूम होता है, पर वो फ्रंट एंड में तब आते हैं जब पति नहीं है या कोई नहीं है, तब वो आगे लीड करती। तो ऐसा कहते हैं। और क्षत्रिय जो है तो क्षत्रियो में ऐसा है कि बहुत सारे सीक्रेट्स रखने पड़ते हैं राजघराने के, है ना। ब्राह्मणों को ज्यादा सीक्रेट्स नहीं रखने पड़ते हैं अनलेस अंटिल वो किसी राजा के लिए काम कर रहे हैं। उनका उनके सीक्रेट्स वही है कि जो विद्या है वो सही आदमी के हाथ में जाए, इसलिए वो किसी को भी नहीं देते थे। ब्राह्मण विद्या उसको देते थे जो व्यक्ति वहां पे आके अपना ऑनेस्टी दिखाए, अपना क्वालिफिकेशन दिखाए, सिंसियरिटी दिखाए, तब उसको विद्या का आखिरी सीक्रेट देते थे, अन्यथा वो सीक्रेट नहीं देते थे। मेन चीज थोड़ा थोड़ा सिखा देते थे, सीक्रेट नहीं देते थे। तो ये होता है। तो क्षत्रिय जो है इनकी जो पत्नियां हैं क्षत्रियाणी, तो ये लोग को भी युद्ध आता था, लेकिन ये तब वॉरफेयर में आते थे जब आगे वॉरियर्स नहीं है, और ये झुकते नहीं थे कभी नहीं। हाँ आप देख लो अहिल्याबाई होलकर ने पूरा भारत में धर्म को स्थापित कर दिया, मामूली लोग नहीं है। झांसी की रानी लड़ते लड़ते अपने बच्चे को पीठ में बांध के लड़ने लगी। हाँ खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, उसको चांद मियां ने धोखा दिया। हाँ चांद मियां को हमने भगवान बना दिया। तो एनीवे सब तो पॉइंट ये है कि जो क्षत्रियाणी है तो इनका क्या है कि बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं, तो इनको इनको भी एक लेवल में रहना पड़ता है ताकि सीक्रेट बाहर ना जाए। जो वैश्य होते हैं तो ये जो है इनका बिजनेस होता है पति का, तो नेचुरली वो जो है जो पति के वो तो शरणागति है ही वर्णाश्रम, तो वो उनके जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं उसको लीक ना करें, इसलिए वो एक लॉबी के बाहर वो नहीं जाते। तो इस प्रकार यहाँ पे कहा गया है, प्रभुपाद बहुत अच्छे समझा रहे हैं कि देखिए जनरली ब्राह्मण व्यक्ति जो है ना वो नीचे अगर सभी को मिल ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, स्त्री में भी, लेकिन अगर क्षत्रिय ब्राह्मण के स्त्री को मिल ले तो बराबर नहीं। इसलिए जनरली जाते ही क्षत्रिय पहला काम करता है वो ब्राह्मण कुल के स्त्रियों को प्रणाम कर लेता है, प्रणाम कर लेता है, कुल में बड़ा है ना, तो अभी बड़ा छोटा हुआ है नहीं है, ऐसा नहीं है। आज भी आप बोलेंगे नहीं हम सब इक्वल ट्रीट करते हैं, ऐसा कोई ट्रीट नहीं करता। आज भी 15 जनवरी का वो 15 अगस्त का वो होने वाला है परेड, तो उस परेड में आपको जाने को मिलेगा अगर आपको इनविटेशन है तो, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप जाके दिखाइए, आप ही का है ना इंडिपेंडेंस डे, नहीं मिलेगा। तो भेदभाव सब जगह है, था और रहेगा। अमीर अमीर रहेगा, गरीब गरीब रहेगा, अमीर लैम्बोर्गिनी चलाएगा, आप अपना साइकिल चलाइए, पीएचए चलाएगा, तो डिफरेंस हमेशा रहेगा। तो ये डिफरेंस नहीं होगा, ये लड़ाई फेक है, चाहे आप कितना चिल्ला मैन वोमन में डिफरेंस नहीं, कौन बोला नहीं है, सारे डिफरेंसेस हैं। तो ये बोलने की बात, तो यहाँ पे देखो वैदिक कल्चर ऐसा है ना कि डिफरेंसेस के साथ जी के और आपको अंतिम लक्ष्य तक ले जाने की तैयारी करता है, वो झूठ नहीं बोलता कि नहीं नहीं सब एक है, ना ना वो बोलता है सब एक है आत्मा के स्तर पे, फिर आत्मा के स्तर पे जाओ
जाओ, शरणागत हो जाओ और क्यों हरिनाम लो तो सब एक। लेकिन अगर आप देहात्म बुद्धि के स्तर पे आते हो, वहां से कार्य कर रहे हो, तो आप एक नहीं कह सकते, वैरायटी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि वैरायटी है, एक नहीं कह सकते। तो यहाँ पे जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मण स्त्री को प्रणाम करके माता समान दर्शन करता है और उनको माँ समान प्रणाम करता है। जो वैश्य है वो क्षत्रिय के पत्नी को और ब्राह्मण के पत्नी को माँ समान ट्रीट करता है। और उसके नीचे यानी जो शूद्र है, ये भी सभी वर्ण और ऊपर के जो है उनको सबको माँ समान ट्रीट करता है। ऑब्वियसली सबको सबको माँ समान ट्रीट करना है, लेकिन ये जो रिस्पेक्ट है, कांटेक्ट नहीं होता था। तो ऊपर का कांटेक्ट है ना, क्षत्रिय ब्राह्मण की पत्नियों का उनसे रिलेशन, मतलब उनका एक अलग ही सेटअप है। उनके सेवाएं भी ऐसी होती कि मिक्स नहीं होना वो होने वाला है। हाँ, वही चीज नीचे आप चले जाओ तो उधर भी मिक्स होने लगता था, तो मिक्स नहीं है। तो वैदिक कल्चर क्या करता है, आपको मिलने से इनकार नहीं करता है, लेकिन आपको आपके दायरे में रहना सिखाता है। जैसे आप देखिएगा, ब्राह्मण की पत्नी है ना, बड़ी विद्वान होती है, तो वो अगर नॉर्मल लोगों से बात कर लेगी ना, तो उसने कहा मुझे बिठा दिया इन लोगों ने। इसलिए कई बार हमारे कम्युनिटी में, स्पेशली हमारे इस्कॉन कम्युनिटी में एक छोटा प्रॉब्लम होता है। वो प्रॉब्लम ये है कि सभी ड्यूटी बन जाते हैं, तो सभी आ तो जाते हैं, सब वैष्णव हैं, लेकिन सबके गुण अलग अलग, तो इसी मैच नहीं होता। तो फिर माता माता में लड़ाई, प्रभु प्रभु में लड़ाई। तो एक्चुअली वहां पर वर्णा सिस्टम स्टेब्लिश कर दिया जाए कि ये ब्राह्मण वर्ग। अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि सिर्फ आप डोनेशन दे दीजिए तो गुरु जी लोग भी ब्राह्मण दीक्षा दे देते हैं, है ना। छोटा एग्जाम ले लेते हैं, आप एग्जाम पास कर दिए, एग्जाम तो इंटेलेक्चुअल छोटा मोटा है, तो ब्राह्मण दीक्षा ले लेते हैं, ब्राह्मण कर्म नहीं करते। आपके ऊपर ये ध्यान नहीं दिया जाता कि आपने दीक्षा ले लिया तो आपका चेकिंग होगा कि भाई आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो वो कोई कम्युनिटी चेकिंग कम्युनिटी है नहीं, ठीक है ना। सुनो ना, तो ऐसे कोई कम्युनिटी नहीं है या ऐसे कोई सिस्टम नहीं है जहाँ पे इसको चेक किया जाए। इसके वजह से क्या होता है, फ्री मिक्सिंग में फिर लड़ाई झगड़ा, बिजनेस क्लास भी परेशान, इंटेलेक्चुअल क्लास भी परेशान, रूलिंग क्लास भी परेशान, और लास्ट में जो है सभी के लड़ाई में जो फायदा उठा ले उठा ले, ऐसा वाला चीज। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले, हमारे गणेश जी हैं वो कहीं केरला में स्पेशल तीर्थ स्थान में गए हैं, वो कुछ दिखाना चाहते हैं, मुझे रिक्वेस्ट किए, शायद फिर उनको वहां से हिलना होगा। तो मैं गणेश जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज जो गए हैं उसका माहात्म्य हमें बताएं। धन्यवाद प्रभु जी। तो 2-3 मिनट लूंगा सभी का। तो धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। तो पहले मैं गया था कन्नौर, जहाँ पे मैंने आपको सबको वीडियो दिखाया था। उसके बाद से मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा ट्रैवल ऐसा शेड्यूल था, एक एक मंदिर का टाइम, तो उसकी वजह से। तो कन्नौर में मैंने एक बात बोलना भूल गया, जहाँ पे शिव जी को जो है परशुराम ने स्थापित किया था। तो परशुराम ने वहां पे एक दिया जला के गए थे, वो आज भी लिट है, उसमें घी डालते हैं, वहां का मेन ये है, ऑफरिंग है। वो 5 रुपए का घी होता है, वो आपको पॉट में देंगे, वहां पे पुजारी अंदर जाके वो लैंप में डालेंगे, जो परशुराम ने लिट करके गए थे 1000 साल पहले। वो एक है। फिर एक और मैं मंदिर गया था, महाविष्णु का प्राचीन मंदिर, जो 600-800 साल ऐसा उनका स्टडी किया गया है, कि पांडव लोग जो विग्रह पूजा करते थे विष्णु का, वो वहां के भय के तालाब में आया था। तो वहां पे पुजारी ने देख के उसको स्थापित किया। वो उसका कुछ एविडेंस नहीं है कि कितने साल पुराना है, तो बहुत प्राचीन है। तो वो मूर्ति ऐसा है कि गरुड़ जी पे विष्णु जी बैठे हैं और हाथ में सत्यभामा है, ऐसा एक विग्रह है वहां पे। बहुत प्राचीन मंदिर है। और कल मैं गया था कालड़ी, जहाँ पे श्री शंकराचार्य का जन्म स्थान है, वहां पे जाके मैं शिव जी का ये वहां पे एक अभिषेक होता है, वो देखा मैंने। और ये सब मैं गया यात्रा अपने यूएस से, मित्र आए थे, उन्होंने बोला मुझे केरला घुमाना है। तो सब लोग तो वहां पे हाउस बोट या दारू ये उस पर जाता है, मैं आज तो आज पूरा, आज किधर गए प्रभु जी वो दिखाइए। तो मैं पूरा स्पिरिचुअल ट्रिप जाके आ गया। मैं आज बैंगलोर आ गया मगर, तो मैं बस वो यात्रा का वर्णन कर रहा हूँ। तो मैं ओ, मुझे लगा आज कोई दर्शन आ रहे हैं। अच्छा, नहीं, तो मैं आज जस्ट बैंगलोर खड़े आया, हैं आपको हिलना है इसलिए मैंने तो यूएस से मित्र आए थे, तो उनको मैं केरला घुमाया, स्पिरिचुअल ट्रिप कराया, उनको बहुत अच्छा लगा। तो वही है, नहीं तो वापस वहां पे लोग जाते हैं, वहां पे सिर्फ वो
हाउस बोट में अय्याशी करते हैं, दारू पीते हैं, चलेगा तो प्रभु जी, क्या वो क्या मुझे लगा कि आप कहीं खड़े हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये ठीक हम है, एंड में ओके आपसे और ठीक, डिटेल सुन लेंगे, ठीक है ना। ओके प्रभु जी, थैंक तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सिंपल कह रहे हैं, इवन अ क्षत्रिय कुड नॉट कॉन्टेक्ट अ वुमन ऑफ ब्राह्मण कास्ट, द वाइफ ऑफ ब्राह्मण इज कंसिडर्ड वन ऑफ द सेवन मदर्स। ब्राह्मण की पत्नी, तो देखिए ब्राह्मण की पत्नी, राजा की पत्नी और गुरु की पत्नी, ये माँ माँ ही है सेवन मदर्स में, अर्थ गाय आपकी माँ, धात्री नर्स, वैसे मिला के सात माताएं हैं। सच कॉन्टेक्ट बिटवीन मैन एंड वुमन वॉज नोन एज उत्तम एंड अधमा। उत्तम मतलब आप और आपके नीचे के वर्ण में अगर आप किसी से डील करते हैं तो उसको उत्तम कहते हैं, और अधम यानी आप अपने जो ऊपर को डील करते हैं तो अधम कहा गया कॉन्टेक्ट। तो ऐसे तो नहीं हुआ कि आपने अपनी मर्यादाओं को तोड़ के कुछ ऐसा किया है, तो यहाँ ये भी नहीं हुआ। और यहाँ क्या गया, अ वुमन अप्रोचिंग अ मैन फॉर कॉन्टेक्ट। आप में से कोई अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लीजिए। कॉन्टेक्ट ऑफ अ ब्राह्मणा और विद अ क्षत्रिय वुमन इज उत्तम, एंड बट द कॉन्टेक्ट ऑफ क्षत्रिय विद अ ब्राह्मण वुमन इज अधम एंड देयर फोर कंडेम्ड। यानी अगर कोई, जैसे मैंने अभी बोला वही चीज इंग्लिश में, अ वुमन अप्रोचिंग अ मैन फॉर कॉन्टेक्ट शुड नेवर बी रिफ्यूज। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष के पास मदद मांगने आती है या किसी भी कारण आती है तो उसको नकारा नहीं जा सकता, कभी नहीं। इसका मतलब नहीं कि नहीं 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 आप कौन सा है, हाँ ब्राह्मण है, मैं क्षत्रिय, नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको अपनी तरफ से मर्यादा को उल्लंघन नहीं करना, लेकिन अगर आपके पास कोई मदद के लिए आ रहा है तो आपको मदद करना चाहिए। तो कह रहे हैं यू शुड नॉट बी रिफ्यूज, बट एट द सेम टाइम द डिस्क्रिशन एज अबव मेंशनड मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड। लेकिन सेम टाइम आपको मालूम होना चाहिए किस लेवल के हैं और मुझे क्या करना चाहिए। अभी आजकल ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे ज्यादा बचे ही नहीं है, वो कुरु कर्म से काम ही नहीं कर रहे, सब खाओ पियो ऐश करो, सब लोग दारू पार्टी में लगे सब लोग केरला के दारू पीना चाहते हैं, और हमारे गणेश जी जो है सबको उधर से उठा के भगवत रस में पिला रहे हैं। तो ये ऐसा है। तो भीमा वॉज अप्रोच्ड बाई हिडिंबी फ्रॉम अ कम्युनिटी ऑफ लोअर देन शूद्रस। जो हिडिंबी थी वो आई थी और भीम से अप्रोच की थी, तो भीम ने उसको पुत्र प्राप्त करवा दिया। एंड ययाति रिफ्यूज टू मैरी डॉटर ऑफ शुक्राचार्य, बिकॉज शुक्राचार्य बीइंग अ ब्राह्मण। देखिए जहां भीम ने जो नीचे नीचे वाली हिडिंबा थी राक्षसी टाइप, उससे उसको हेल्प कर दिया, लेकिन जो ययाति है वो क्षत्रिय था, और शुक्राचार्य की बेटी जो थी देवयानी वो उसको कुएं से निकाल तो दिया, बचा लिया, लेकिन वो रिफ्यूज किया कि नहीं नहीं वो बोली मैं तो आपको मुझसे विवाह करना, बोले ना 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 आप तो ब्राह्मण ही हो, तो इसलिए ये रिफ्यूज किए। ऑब्वियसली बाद में उसको कर्ज था तो विवाह करना पड़ा था। तो व्यासदेव अ ब्राह्मण वॉज कॉल्ड टू बिगेट पांडु। व्यासदेव जो है एक ब्राह्मण थे, तो उनको पांडु और धृतराष्ट्र के जन्म के लिए बुलाया गया था, ठीक है। तो हाँ, सत्यवती बिलोंग टू फैमिली ऑफ फिशरमैन, उनकी जो माँ थी सत्यवती वो मछुआरों की थी, तो वो लोअर हो गई, बट पराशर एक तरह से जो ब्राह्मण थे वो उनसे व्यासदेव को प्राप्त करवाए। तो ये सब जो है ना, ये सब ओके होता है, अगर लेकिन उल्टा हो गया ना तो वो अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह ऐसा कहते हैं। तो एक्चुअली जितने भी आपको जनरली आजकल मैरिजेस हो रहे हैं, तो अगर प्रतिलोम है तो प्रॉब्लम होता है। प्रतिलोम यानी अगर लोअर वर्ण का व्यक्ति स्पेशली मैन हायर वर्ण के लेडी से शादी कर ले तो प्रतिलोम हो जाता है, और फिर प्रतिलोम नहीं होता है वो इस दुनिया से ही विलोम हो जाता है फिर ब्राह्मणी ऐसे अगर क्षत्रिय शादी कर ले तो वो उसको ऐसा परेशान करेगी इंटेलेक्चुअली कि क्षत्रिय समझ नहीं पाएगा, लास्ट में तलवार किस पे चला ऐसा हो जाएगा मेरे पास एक बार टेम्पल में आए थे पति पत्नी, रात को वो लोग बोल रहे थे नहीं दरवाजा खोले, गेट गेट वाले से लड़ रहे थे, मैंने बुलाया हमको अंदर, बोले क्या हुआ छोड़ दो क्या चाहिए आपको, बोले हमको दर्शन करना है बाबा, हम लोग का समस्या निराकरण कर दिया, रात भर हम जी नहीं पाएंगे। मैंने देखा कि उसकी जो वाइफ थी वो वेरी फेयर लुकिंग और तेजस वेजस लग रहा था कि हाँ भाई अच्छा लग रहा था कि इसके विचारों में बड़ा तेज है, आइए भोंदू टाइप काला काला था। तो मैंने बोला तुम्हारा लव मैरिज है क्या,
आपने आपने सही जान लिया गुरु जी, सही जान लिया। बोला अबे तेरे को कहां से, तू कुछ तो झूठ झूठ बोल के इसको फंसाया होगा। तो बोलते हैं हाँ हाँ हमको झूठ बोल के ही शादी करवाया ऐसा वैसा। फिर मैंने बोला ये तो ब्राह्मण की लड़की है। तू बोला आपने कैसे जान लिया। बोला ऐसे पता चलता है। बोला क्या क्यों शादी किया। उनको लगा वो फेयर लुकिंग है, तुमने वो आई लव यू सब लिख दिया होगा, ये भी पागल है यार, उस उम्र में तुमसे आई लव यू हाँ कर दिया होगा। पर वो ब्राह्मण ही है, उसका दिमाग तेज चलेगा। तू इतना सोचेगा, वो इतना सोचेगी, तू उसको कभी जीत नहीं पाएगा। तो तू पति बनेगा कैसे। पति का मतलब है आश्रय देना। वो तुझे आश्रय देके बैठी हुई है, तो तू पति कौन है क्वेश्चन है। वो पति है, तू पत्नी है। तो बोलते हैं अरे घोर घोर पाप हो गया हमसे, अब जो हुआ हुआ। अब बोले आगे जीवन निकालो। फिर उनको स्पिरिचुअलिटी बताया ये सब करिए। तो पॉइंट क्या है कि यहाँ पे इसको अधम और उत्तम कहते हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है। आजकल हमारे समाज में हम इसी को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इसके वजह से जो प्रॉब्लम आते हैं वो हम सॉल्व करने में बैठते हैं कहाँ पे, तो कोर्ट में जाके। और कोर्ट में जाके सॉल्व करने जाते हैं और वहां भी सॉल्व नहीं होता। तो ये यहाँ का आगे है, ठीक है। और सो देर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टेक्ट विद वुमन, बट इन ऑल केसेस द कॉन्टेक्ट वर नॉट एबोमिनेबल नॉर वर द रिजल्ट ऑफ सच कॉन्टेक्ट बैड। तो ऐसे कॉन्टेक्ट कहीं गड़बड़ नहीं है और ये बुरे भी नहीं है। कॉन्टेक्ट बिटवीन मैन एंड वुमन इज नेचुरल। जो स्त्री और पुरुष के बीच में जो कॉन्टेक्ट है वो नेचुरल, अगर वो नहीं है तो समझो कुछ तो गड़बड़ है, नॉर्मल है मतलब। बट दैट ऑल दैट ऑल्सो मस्ट बी कैरिड आउट अंडर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स सो दैट सोशल कॉन्सेक्रेशन मे नॉट बी डिस्टर्ब और अनवांटेड वर्कलेस पॉपुलेशन बी इंक्रीज फॉर अनरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कहते हैं कि इसलिए इसको प्रॉपर सोशल कंसिडरेशन के साथ इनको डिजाइन किया जाना चाहिए सोसाइटी को। तो ये राजा कर सकता है, उनका मंत्री परिषद सिस्टम जनरेट करता है कि कैसे रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। मनुस्मृति में बहुत अच्छे से दिया है किसके सामने हमको पर्दा रखना चाहिए, किसके नहीं रखना चाहिए, कहाँ हमें खिल-खिल के बोलना चाहिए, कहाँ हमें मर्यादा में रहना चाहिए। हाँ, ससुर जी के सामने जोक नहीं मारना चाहिए, अपने बड़े पति के बड़े भाई के सामने जोक नहीं मारना चाहिए। जो छोटा है उसको अपने बड़ों के, जो स्पेशली रिलेटिव्स में बड़े हैं उनके साथ वो अलग रह सकता है। जो दूसरे घर की लड़की उसके सामने जोक नहीं मारा, बहुत कुछ है। आप घर में हमेशा बोलते थे ऐसा नहीं बोलना। अब हम लोग मुंबई से आते थे तो मुंबई में सब ओपन कल्चर था, घर में आते ही इतना तक कि मेरी एक परनानी, एक क्या परनानी थी, तो मुझे नहीं मालूम था। घर पे उन्होंने बोला मैं खाना खाने गया, तो प्लेट है ग्लास है, तो हम लोग आदत है कि राइट हैंड से खाना और लेफ्ट हैंड से पी लेना। हाँ हाँ उफोंत 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 लोकल लैंग्वेज बोले। बोले क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया। तो बोलते अरे ये दूसरा हाथ नहीं लगाना होता है। हम बोले लेकिन आपको धोना पड़ेगा ना हाथ से लगे। बोले ना 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 हाथ से उठाते नहीं खाना है। बड़ा चीज प्लेट प्लेट को भी टच कर जाए तो इतना वो प्यूरिटी लेवल था। आजकल तो एक ही में इधर से खा रही, एक ही जूस दोनों पी रहे हैं, पता नहीं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसको ध्यान देना चाहिए, नहीं तो अनवांटेड पॉपुलेशन पैदा हो जाएगा। और अगर अनवांटेड पॉपुलेशन पैदा होगा तो वो पत्थर ही मारेगा, क्योंकि अनवांटेड पॉपुलेशन जो है वर्ण संकर, उसका दिमाग रहता है कम। तो उसको थोड़ा तकलीफ दो, वो आपके ही अच्छे अच्छे सामानों पे पत्थर मारेगा, मुंह में मफलर बांधेगा और पत्थर मारेगा। तो रांची में अच्छा इलाज हुआ था वैसे पत्थरबाजों का। रांची में तथाकथित कांग्रेस सरकार और जेएमएम सरकार है, लेकिन हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं ये लोग सपोर्ट करें, कुछ नहीं, सीधा साफ कर दिया। आठ लोग, आठ पत्थरबाज जो है वो अपने वर्ण संकर वर्ल्ड में चले गए वापस। तो इस प्रकार से ये जो वर्ण संकर है ये बहुत डेंजरस है। ये क्या वर्ण संकर कहाँ से उत्पत्ति होते हैं याद रखिए। जब कोई किसी से, कोई अपने बहन से शादी करना चालू कर दे, कोई अपने चचेरे से, कोई अपने फुआ से, कोई अपनी माँ से ही बाद में शादी कर सकता है। ऐसे रूल्स का बुक बना ले और बोले ये ऊपर से आया हुआ है, और ऐसे बुक को ब्लाइंडली फॉलो करने लगे, तो वो वर्ण संकर की फैक्ट्री है। और वो बुक वर्ण संकर को स्टैब्लिश करने वाला किताब है, और उसको सपोर्ट करने वाले लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आप मनुस्मृति का द्वेष करके या मनुस्मृति के खिलाफ नफरत फैला के आप ऐसे ग्रंथों को फॉलो मत करें जो कचरा है, ठीक है। तो कई बार लोग ऐसे टारगेट करते हैं ना, ये गलत है।
कई बार लोग जानबूझ के ब्राह्मण की बेटी को टारगेट करते हैं कि उसकी बेटी को हम पटाखा दिखा देंगे, हम कैसे हाई फाई उसको करते हैं, तो ये गलत है, वो नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा, और समाज में अव्यवस्था होगा, ना धर्म बनेगा ना कुछ, बाकी तो हर एक अपना अपना जीव कर्मों का फल भोगेगा। फिर यहाँ पे ये पर्पट में इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अबोमिन, अब ये पार्ट हो गया जो पहला क्वेश्चन पूछा था, क्या तुम ऐसे किसी स्त्री को मिले हो जिससे ये हुआ है, या हैव यू नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली डिजर्विंग वुमन। अगर कोई स्त्री रिस्पेक्टफुल है और उसको आपने ध्यान नहीं दिया तो भी आपका अनर्थ हो सकता है। उसके दो कारण है कि एक तो आपने एक स्त्री शक्ति का अपमान किया है इसलिए, और दूसरा है कि आपने जो वो जो स्त्री है उसको अगर गुस्सा आ गया, अगर उसने मन में भी गुस्सा रख लिया ना, तो उसका बड़ा कलंक लग जाता है। तो कभी भी किसी स्त्री का बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, उनसे उनका प्रॉब्लम है तो मूल प्रॉब्लम समझ के एड्रेस करना चाहिए। हाँ, निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, निग्लेक्ट कर दिया तो फिर तारे जमीन पर, बड़े स्टार बन जाओगे जमीन पर आ जाओगे। तो इट इज एबोमिनेबल फॉर क्षत्रिय टू बी डिफीटेड बाय वन हु इज इंफीरियर और इक्वल इन स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पावरफुल नहीं है और छोटा है, उससे अगर आप हार जाए तो बहुत महाभयंकर मृत्यु की तरह है। तो इसलिए यहाँ वो पूछ रहे हैं कि आपको किसी ने ऐसे तो नहीं मतलब मार पीट दिया है और डर गए हो या ऐसा कुछ पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। तो बोल रहे हैं नहीं नहीं ऐसा तो मतलब ऐसे नहीं तो नहीं बोले, वो आने बताने वाले हमको मारा था एक्चुअली बीच में और जो हार गए। तो ये पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए भीष्म देव से हारना अलग चीज है। तो भीष्म देव ने बाण मारे थे और अर्जुन का रथ हिल गया था और भगवान ने पहिया उठाया था मारने के लिए, वो अलग चीज है, भीष्म से मार खाना भी अलग है। लेकिन कोई छोटा बच्चा आके मार के जाए तो कैसा लगेगा, यहाँ वहां का वॉरियर मार के जाए, तो ऐसा तो नहीं हुआ कोई आंडू पांडू वॉरियर आके मार के गया। तो वो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं 43 वर्ष लोग अपे इसमें पर्य भूंग तस्त्वं संभोज्यान् वृद्ध बालकान् जुगुप्सितं कर्म किंचित् कृतवान् यदक्षमम्। हैव यू नॉट टेकन केयर ऑफ ओल्ड मेन एंड बॉयज हु डिजर्व टू डाइन विथ यू। क्या ऐसे कुछ बुजुर्ग व्यक्ति हैं या बच्चे हैं जो आपके साथ खाना खाने के उत्सुक हैं लेकिन आपने उनको आदर नहीं दिया। ये सब हमको चेक करना चाहिए, अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है ना तो हमारे ये सब चेक कर करके उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए, ये बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। हैव यू लेफ्ट देम एंड टेकन योर मील्स अलोन। क्या आपने उनको छोड़ के अकेले खाना खा लिया। कई बार होता है हम लोग होटल में रेस्टोरेंट में कहीं जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ आसपास गरीब बच्चे होते हैं जो बैठे हैं, ऐसा ताक रहे होते कि हमको भी एक पिज्जा एक बर्गर चाहिए। ऐसे समय पे ना आप जो 100-200 का बड़ा चीज नहीं है उसको बुला के बैठा के खिला सकते, है ना, इसमें आप डेमोक्रेसी की इक्वेलिटी का फायदा उठा सकते हो, उसको बैठा के खिलाइए। तो ये कह रहे हैं कि या ऐसे आपने कोई खाना अकेला तो नहीं खा लिया। हैव यू कमिटेड सम अनपार्डनेबल मिस्टेक विच इज कंसिडर्ड टू बी अबोमिनेबल। क्या तुमने कोई ऐसा कृत्य किया है जो क्षम्य नहीं है, क्षमा करने योग्य नहीं है और तुम अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहे हो और ये बहुत घिनौना है, तो बताओ मुझे, बताओ। 44 कच्चित् प्रेष्टम् प्रेष्टतमेनाथ हृदयेनात्मा बंधुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यम् मन्यसे तेऽन्यथा न नरुक। और इज इट दैट यू आर फीलिंग एम्प्टी फॉर ऑल टाइम बिकॉज यू माइट हैव लॉस्ट योर मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड लॉर्ड कृष्णा। ओ माय ब्रदर अर्जुना आई कैन थिंक ऑफ नो अदर रीजन फॉर यू बिकमिंग सो डिजेक्टेड। अब वो आ गए अपने मुद्दे पे, आखिरी में वो अपने मुद्दे में आ गए कि क्या तुम कृष्ण को तो नहीं खो रहे हो जो तुम्हारे बहुत इंटीमेट फ्रेंड है। युधिष्ठिर से भी ज्यादा अर्जुन से बड़ा मतलब कृष्ण और अर्जुन का बड़ा स्पेशल लगाव है, तो क्या तुम खो तो नहीं रहे हो। तो ये युधिष्ठिर महाराज को समझ में आ रहा है और यहाँ उन्होंने ये एंड किया इस चैप्टर को, अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। और भगवान के डिपार्चर के बाद कैसे पांडव जो है वो खुद भी रिटायर हो जाते हैं, उसका वर्णन हम लोग अगले चैप्टर में सुनेंगे। ये 14वां चैप्टर कब समाप्त हुआ, हम लोग 15वें में जाएंगे।
मुझे लगता है इस स्कंद में 19 चैप्टर है, तो हमारे और चैप्टर, 4 चैप्टर हो जाएंगे, 4 अध्याय। उसके बाद ये स्कंद हमारा प्रथम स्कंद जो है युद्ध भूमि का खत्म हो जाएगा, है ना। तो यस, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, हरे कृष्ण। तो हरे यस, कृष्णा प्रभु जी। आप गणेश जी, आपको कुछ बचा था कि ना, आप थोड़ा कह सकते हैं कितना क्वेश्चन। प्रभु जी, तो ये तो मेरे यात्रा जो 3-4 दिन का था, तो ये सब प्राचीन मंदिर मैंने कवर किया था, उनको लेके गया, सब जगह दिखाया। तो फिर क्या हुआ प्रभु जी, मैं आपको जैसे ये बताना चाहता हूँ, कल हमारे पास समय था, हमारा फ्लाइट सुबह शाम को था, आई मीन नाइट था, तो 3 बजे के बाद हमारे पास टाइम थोड़ा खाली था, तो मैंने वो मूवी देखा जो जेलर जो रिलीज हुआ था, तब प्रभु जी आपकी याद आई। मतलब उसमें कुछ दिखाया नहीं है, बस सिगरेट फूकना ये वो सब दिखाया है, तो इससे सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं आजकल। तो आप जो बोलते रहते हैं ना, तो प्रभुपाद ने बोला है ऑल दैट मैचिंग एक्चुअली। तो नहीं, वो पांडव सेना आएगा तो पहले तो सिगरेट फैक्ट्री बंद होगी, और इन्हीं एक्टर लोगों से भजन मंडली का मूवी बनाया जाएगा, चिंता मत करो, हाँ प्रभु जी, वो टाइम दूर नहीं है। यस, अजीत सिंह जी। हरे कृष्णा दंडवत थोड़ा जोर से हरे बोलना पड़ेगा। हरे बोल हाँ प्रभु, प्रभु जी। अभी इस कलयुग में तो हर एक व्यक्ति अक्षुद्र है, तो अभी जो जो कोई लव मैरिज करता है, तो जो आपने बताया ब्राह्मण से जो शूद्र या क्षत्रिय से वैश्य, तो कुछ, ठीक हाँ, तो इसमें जो कलह का कोई बात ही नहीं है, जब सभी शूद्र है, तो अभी पहले से या सतयुग से या त्रेता युग से अभी जो कलह क्यों ज्यादा है? अभी जो वर्ण संकर है ही, ऊपर से कलयुग भी है, तो ये जो हमारा जो अभी श्लोक चला है, इसका पैर कैसे बिठाते हैं उसमें? हमारा क्या चल रहा, क्या बैठना है हमको, अभी जो हमने श्लोक पढ़ा प्रभु जी, क्या इसमें बैठा ना, जैसे बैठा तो है वर्ण ना, सा, हाँ प्रभु जी, तो बैठा ना क्या है, मैंने ही पूरा क्लास बैठा दिया ना, पहले। नहीं नहीं सर, मुझे बैठा ना, बाय मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो जो वर्ण संकर का जो प्रॉब्लम है, तो अभी तो है ही, क्योंकि हर एक आदमी क्षुद्र है बाय डिफॉल्ट। तो जो अभी जो हमने श्लोक पढ़ा है, उसका जो अभी इसमें मैचिंग कैसे हो पाएगा? मैं आपका सवाल भाव में समझ के जो बताता हूँ, प्रभु जी ये पूछ रहे हैं कि क्या क्या निराकरण किया जाएगा, वो पूछ रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो और डिस्क्राइब कर ही रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। तो ऐसा है, निराकरण क्या करेंगे, वर्णाश्रम स्थापित करना पड़ेगा, और क्या, वर्णाश्रम स्थापित करिए, हर व्यक्ति को अपना रोल दीजिए, हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों से और सेवाओं से बांधा होगा, है ना। और ऐसा नहीं है कि कोई भी अन्याय कर सकता है, न्याय व्यवस्था को स्ट्रांग बनाइए, और बच्चों को एजुकेट करिए, स्त्रियों का रक्षा करिए, गाय का रक्षा करिए, ब्राह्मणों का रक्षा करिए, ब्राह्मणों को प्रोत्साहन दीजिए धर्म कार्य करने में, लोगों को प्रोत्साहित करिए, और ब्राह्मणों को आदर दीजिए, साधुओं से ज्ञान लीजिए, साक्षात करी पुरुषों से ज्ञान लीजिए, है ना। मेकअप वालों को दूर करिए, मेकअप करके दाढ़ी बढ़ा के जो आते हैं उनको दूर करिए, जो बैंक अकाउंट और CSR फंड से गुरु बन जाते हैं उनको दूर करिए, सब हरि ठीक हो बोल जाएगा। हरि बोल हरि बोल आपको नहीं करना है, करने वाला आएगा, अभी आप चिंता मत करिए। हरि बोल हरे कृष्ण। और किसी का क्वेश्चन? शिल्पा माता, आपका वस्त्र मिला मुझे, बहुत बहुत प्रभु जी। धन्यवाद। यस, प्रभु जी, आता तुम्ही सांगितलं त्या पर्सनल लेवलला समजा हे झालं असेल, इन द सेन्स तुम्ही म्हणाल ना ब्राह्मण मुलगी आणि लोअर का ह्याचा, तर फॉर दॅट लेडी द बेस्ट थिंग टू डू इज स्टे सरेंडर, राईट, टू रेक्टिफाय, आय मीन झालोय प्लीज। ये ऐसा है कि अब क्या है कि देखिए, कभी कभी हमारी गलती हो जाती है या मिस्टेक्स होते हैं, बाद में हमें ध्यान आता है, तो ठीक है, उधर हम अपने आप को अगले जन्म में, तो वो कुछ चीजें होती है जो एक ही बार कर सकते हैं, वापिस जाके ना ही नहीं, अभी हम दूसरा शादी करेंगे ऐसा नहीं हो सकता। तो उस समय में आप क्या कर सकते हैं कि चलो स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करके और
जो हो गया उसके उसमें आने वाले अब जो प्रॉब्लम्स है उसको स्वीकार करें। जैसे आपने अगर ज्यादा मसालेदार खा लिया तो पेट में गड़बड़ होगा, तो स्वीकार तो करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अगर आपने ज्यादा स्वीट खा लिया तो डायबिटीज होगा, तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर ये कार्य हो गया है तो उसको स्वीकार करें, और हम आगे वाले आने वाले जनरेशन को अपना बताएं कि भाई ये गलत है और ये ना करें, और एटलीस्ट हम अगले जनरेशन को रोकें। पण मग जे जनरेशन आले ते काय कन्सिडर करायचं, वडिलांचं, राईट? हा नाही, फादर काय वो बच्चा जो है, अगर माता ब्राह्मण है और बेटा क्षत्रिय, पति क्षत्रिय है, तो वो पति जो है फ्रस्ट्रेटेड होगा, पॉइंट नंबर वन। पत्नी जो है वो इंटेलेक्चुअली अपना रास्ता निकाल लेगी, पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री, बच्चे ये देख के समझ जाएंगे कि दोनों का एकदम ही नहीं तालमेल है, ये पानी और तेल की तरह है। चौथा, वो बच्चे भी अपना रास्ता निकाल लेंगे, बच्चों का जो दिमाग है वो माँ की तरह तेज होगा। जो बेटा है ना उसमें माँ के क्वालिटीज आते हैं, बेटी है उसमें फादर के ज्यादा क्वालिटीज आते हैं। तो जो बेटी है वो क्षत्रिय टाइप निकलेगी, जो बेटा है वो ब्राह्मण टाइप निकलेगी। अगर क्षत्रिय और वैश्य का शादी होता है, क्षत्रिय लड़की और वैश्य लड़का है, तो जो बेटा है वो क्षत्रिय टाइप निकलेगा। इसलिए वो जो वहां पे बोलेगा, अरे मैं बनिया वो धंधा धंधा करता, ये क्या मारा पीटी की बातें करता है, ऐसा लग जाएगा। जो बेटी है वो बाप की तरह बनिया निकलेगी, बिजनेस माइंडेड क्वालिटीज। अरे हाँ, हरे कृष्णा, हरिंदर माता, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये जैसे सुना है कि घोर कलयुग आएगा, घोर कल, तो क्या उस बीच में जो आप ये कहते हैं पांडव वाली बात, तो ये आएगी लाइटन में? कौन सी वाली बात? कि पांडव सेना वाली, वो अभी आएगा बहुत जल्दी, ठीक है, गलत तैयारी चल रही है। उसके बाद तो बहुत क्लास देने लायक नहीं बचूंगा। कोई बात नहीं प्रभु जी, हम तो आपके साथ हैं, साथ साथ हैं। और प्रभु जी, जैसे ये जो क्या बोलते हैं आप, जो ये वर्ण आश्रम की जो स्टडी है, अगर ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये विदेश की स्टडी छोड़ के सिर्फ सारी अपनी स्टडी शुरू हो जाए यहाँ? हाँ, प्रयास तो कर रहे हैं। अभी क्या है, कोई भी सरकार में पहुंचता है, चाहे कोई भी पहुंचे, तो पैसा पैसा करने लगता है, मणि मणि मणि। वैसे कल, अभी जाने तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा ऑनलाइन, कल हमारा है एक जगह हमारे सिस्टम पहुंचेगा, वो हो गया तो बड़ा काम हो सकता है। पर ठीक है, पॉइंट ये कि देखिए, सरकार में पहुंचने के बाद आदमी क्या करता है कि वो पैसा पैसा बहुत करता है, उसको पैसा आ जाता है हाथ में, तो वो जिस मुद्दे के लिए सरकार में बैठा था जाके लड़ फुड़ के, वो लाके जाके वही बिजनेस ही चलाते बैठता है, इंडस्ट्री, पैसा, टैक्स कलेक्शन, वो वही कॉन्ट्रैक्टर वाला काम चालू कर देता है, रोड बनाना, ये सब चलता है। अब गडकरी जी आरएसएस के हैं और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, वो बोलते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, आप बोलो किधर किधर रोड बनाना है। मैं बोला कम से हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार लाने के लिए कुछ करो, उसका तो कोई काम है नहीं, रोड बनाने का प्राइड है। मोदी जी आरएसएस पे हैं, डंडा मारा, चलो धर्म के लिए आप जीते, तो एजुकेशन के लिए क्या किया, कुछ नहीं, वो ठंडन गोपाल है। अब वो केजरीवाल जी है, वो दिखाते हैं कि मैं एजुकेशन के लिए कर रहा हूँ, उनका एजुकेशन तो कोई मतलब ही नहीं है, वो चाहते हैं कि मुझे वोट मिले तो अपना एजुकेशन का नाम यूज करके कर लो। एक जगह एजुकेशन का स्कूल खोलते हैं, दूसरे जगह दारू का पट्टी खोल देते हैं, क्या करें बताइए, किस किस को जाके आप वोट दीजिएगा। बच्चा है वो बेचारा, मुझे लगता है कई बार उसने मेरे लेक्चर सुन लेने चाहिए, हो सकता है उसको भाषण देना सीख जाए, उसको देख के तो मुझे प्रधानमंत्री की आशा जाग गई है कि भाई अगर ये कैंडिडेट हो सकता है मैं भी फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ। मेरी पांडव सेना की प्रेरणा है वो, कि अगर ये एक पार्टी चला सकता तो मैं भी क्यों नहीं चला सकता। तो अच्छा है, वैसे मुझसे ऐसी चीज तो मैं सीखता हूँ, किसको आप बैठाइएगा और किनसे आप आशा करिएगा। इसलिए हमें जन जन में जाके लोगों में मिलके ये चीज को जगा के लोगों के माध्यम से करना है, हमको किसी के विरोध नहीं करना है। उनका भी विरोध क्यों करे, धंधा कर रहे हैं, पैसे का खेल खेल रहे हैं, तो उनको खेलने दो,
है ना, वो पैसे का खेल खेल रहे हैं। तो हमको हमारा धर्म का कार्य करना है, हमें हमारे स्त्रियों को बचाना है। जिस दिन पांडवसेना एक्टिव होगा उस दिन ये जो मणिपुर में किया है ना, तो जिन जिन लोग वहां खड़े थे उन सबको ठोक देंगे, ठीक है ना। दया वया नहीं करना है, इसमें सब होंगे, सरदार होंगे, राजपूत होंगे, जाट होंगे, मराठा होंगे, रेड्डी अन्ना सब सब अय्यर सब लोग होंगे। धर्म धर्म है, पहले भी हमारा भारत भूमि धर्म था। अभी ये लोग जिस मनुस्मृति को जला के एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख के उसके आधार पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम समाज में स्थापित करेंगे शांति, जो कि ये है कि उधर कांड हुआ और इधर ये लोग आपस में लड़ रहे कि तू सही था मैं गलत था, मैं सही। न कोई कांग्रेस का वर्कर वहां जाके उन दो औरतों को न्याय दिलाए, ना ये कोई दूसरे पार्टी वाले जाके न्याय दिलाए, वो लोग अपने ही रोटियां सेक रहे। सोचो, अरे शर्म करो बेशर्मो, हाँ शर्म एकदम शर्म आना चाहिए। आप कैसे किसी और के बारे में आपको वहां छाती ठोक के बोलना चाहिए ये 10 लोग थे, ठोक दो पब्लिक में, चाहे जो रूल है रूल अमेंड करो, सारे बिल तो आप पास कर ही देते, तो ये भी एक बिल पास कर दो, ठोक दो सबको खड़ा करके मार दो पब्लिक में। अगली बार कोई सोचे, सोचने से डर थरथराना चाहिए, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या काम का। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सारा बनिया सिस्टम है जी, हम देश को आजाद किए। मेरे को तो जाने दो, अरे कृष्णा आज इंडिपेंडेंस डे है, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सश्यामलाम मातरम, वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं शुभदां वरदां मातरम, वंदे मातरम। ये कितना अच्छा गीत है। लेकिन क्या है, एनीवेज पॉइंट क्या है कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, जिन्होंने गलती किया है उनके गलती को पकड़ के उन्हीं के पास न्याय मांगने जा रहे हैं। आपने एक आदमी का पैसा जो उसने पैसा फेंका, आप उसी के पास जा रहे हैं, आप न्याय दीजिए। न्याय मिलेगा कैसे, जिस कोर्ट को बनाया ही गया तुम्हें बर्बाद करने के लिए, उस कोर्ट में जाके क्या याचिका दाखिल करोगे, हाँ कि बचाइए हमको, बचाइए। अरे क्यों बचाइए, नहीं होने वाला है, नहीं जाना, कभी नहीं जाना। वो जाके आपको 50 साल रगड़ा देगा, कोई मर्डर हुआ 50 साल, उसकी आत्मा जो है ना वो दूसरे योनि में भूत भूत बन के भी पहुंच जाती है, लेकिन आपको न्याय नहीं मिलेगा। वो बना डिजाइन ही ऐसा है वो, और ब्रिटिश को रानी को जाके बताया कि हमने ऐसा कानून बना दिया कि ये लोग आपस में ही लड़ते रहेगा। ऐसा नहीं होता है। एनीवेज करने वाला कर जाएगा, आप लोग विटनेस में अपना इतिहास लिख दीजिएगा, माय वर्जन ऑफ न्यू एरा। ओके हरे कृष्णा। रियान जी हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आज मेरा थोड़ा वर्ण आश्रम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जैसा कि भगवद गीता से में रिलेटेड है कर्म के वर्ण आश्रम धर्म जो ब्राह्मण वर्ण। क्षत्रिय, हाँ भगवद गीता में जैसे भगवान ने बताया कि कर्म अनुसार क्वेश्चन स्वभाव अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्वेश्चन शूद्र पूछिए, कहा सब जाता है। ये सब है ना, सबको मालूम है, क्वेश्चन पूछिए। हाँ तो आज के समय में जो व्यक्ति जैसे ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है जैसे कि मेरा, तो उसे क्या कहा जाएगा, हम उसे क्या कह सकते हैं, ये मेरा नहीं तो क्वेश्चन है। अच्छा है ना, ब्राह्मण घर में परिवार में जन्म लिया है, तो अगर आपके माता पिता आपको कुछ संस्कार दे रहे हैं जो ब्राह्मण परिवार में होना चाहिए, तो ये आपका सौभाग्य है, उसको लीजिए, है ना। लेकिन और प्रभु जी मुझे उतना शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं, फिर मैं ब्राह्मण कैसे हुआ? अरे यार तुम कैसा आदमी है, जब बोल रहा हूँ सुनो ना पहले। मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हूँ तो आगे का बता रहा हूँ, नहीं मैंने लिया नहीं है, तो अपने आपको इतना हीरो मत बनो। मैंने क्या बोला, आपका अगर ब्राह्मण जन्म, आपका ही नहीं जिसका भी ब्राह्मण कुल में जन्म होता है, तो उसका भाग्य है कि ऐसे माता पिता मिले जो संस्कार देंगे, कल्चर देंगे, कुछ तो दिया है ना, कि बोल दिया जाओ बेटा मर्डर करो दुनिया को मार दो, नहीं नहीं बोला नहीं है ऐसा क्या? नहीं है, फिर बहुत अच्छे संस्कार तो दिए वही हैं। समझा रहा हूँ, तो आपको दिया है उसका फायदा उठाओ, और फायदा उठा के आगे का काम करो। जो नहीं है तुमको मालूम है कि शास्त्र पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ो तो पढ़ना चालू करो, कौन रोक।
गोरखपुर प्रेस लॉस में भी जाके प्रिंट करते रहती है। तुम अपने जेब से 100 रुपए खर्चा करके खरीद लो एक ग्रंथ, रोज पढ़ो और उससे सीखो और लोगों में वो ज्ञान फैलाओ। ब्राह्मण कर्म है ये। आईआईटी एनआईटी पे एडमिशन लेके क्या अचार डाल दोगे? जिंदगी भर पगार लेके बस वहीं बैठे रहोगे अनाड़ियों की तरह। लेकिन प्रभु जी, अगर कोई ब्राह्मण परिवार में जन्मा, उसका इंटरेस्ट अगर व्यापार वगैरह में, तो उसे क्या कहा जाएगा? नहीं, आजकल सबको व्यापार ही करना पड़ता है। आज आप देख लो कहीं बिल्डिंग है, बिल्डिंग के नीचे वो रखा है कैरेक्ट बोलते मॉल हॉल क्या बोलते उसको, वो टाइप हर एक के नीचे वो क्या गाला गाला टाइप रहते सबका। तो धंधा तो सबको धंधा हो गया है, वो अलग चीज है, वो टाइम पे सुधर जाएगा। आप अपना ब्राह्मण कर्म करिए। जी प्रभु जी, ठीक है। हरे कृष्ण। यस ग्लोबल माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, आप बताते रहते हैं नेता लो इतने करप्ट है, तो क्या लगता है सब के सब नरक जाएंगे? देखिए नेताओं का बात जो है वो अलग है ना, उसमें भी कैसा रहता है, ये मेरे बोलने से कोई ना नरक जाएगा ना स्वर्ग जाएगा। तो इसमें ऐसा है कि वो व्यक्ति, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नेता बहुत अच्छे होते हैं लेकिन अपना सत्ता बना के रखने के लिए लोगों को उल्लू बनाते हैं, और उल्लू बना के नेता जो है वो अपना काम कर लेते हैं। क्योंकि जनता जो है ना, प्राय 80% जनता जो है वो मेंढरा बोलते हैं, भेड़ बकरियों की तरह चलते रहते हैं, वो इधर डंडा दिखा चुपचाप एक लाइन में चलते हैं। तो 80% जो लोग हैं वो ऐसे ही रहते हैं। तो चाहे कोई दिमाग वाला आदमी भी ऊपर आ जाए तो वो सबको जगा नहीं पाएगा, उसको प्रॉपर सिस्टम बना के ही नीचों को हैंडल करना पड़ेगा। तो डेमोक्रेसी में थोड़ा उल्लू बना के सत्ता रखना पड़ता है, तो ये लोग रख लेते हैं। और कई बार इनके अंदर में धार्मिक प्रवृत्ति ही होती है, कोई पाप करने की प्रवृत्ति नहीं होती, तो ये लोग धर्म के कार्यों के लिए भी मदद करते हैं। और डेमोक्रेसी सिस्टम आपको नहीं करने देगा, एज ए व्यक्ति ये लोग कर देते हैं। तो वो जो रिजल्ट आएगा इनके व्यक्तिगत इंटेंशन और उसका है, आप इसको स्टैंप नहीं कर सकते कि सब नरक जाएंगे। लेकिन जो डेमोक्रेसी सिस्टम है, ये सिस्टम का डिजाइन ऐसा बना है कि उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। सेक्युलर का चोला है, ये बुरा मान जाएगा, वो बुरा मान जाएगा, है ना? तो ये इसलिए धर्म नहीं करना। धर्म करने के लिए आपको धर्म ही करना है, तो नरक क्यों जाएंगे? जिन्होंने अच्छा किया वो अच्छे जगह जाएंगे। राजनीति तो एक खेल है, उसमें नथिंग इज सीरियस। तो वो जो डार्क नाइट में आया था ना, वाइस सीरियस, तो इस संसार को ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। पॉलिटिक्स भी इतना सीरियस मैटर नहीं है, वोट डाल दिया एक बार इलेक्शन में, हार गए जीत के खेल खत्म, 5 साल एंजॉय। तब तक ये लोग मीडिया में हल्ला मनाते रहते हैं, सब लोग दिखाना चाहते हैं कि वो सबसे दयालु है, जबकि जो सबसे दयालु है वो ऊपर आ ही नहीं सकता, उसका समय नहीं होगा, दया बांटने में टाइम जाएगा। तो सबको वीडियोग्राफी चाहिए, आपने विदेश में क्या किया वीडियोग्राफी चाहिए, आपने भारत जोड़ा वीडियोग्राफी चाहिए, आपने मफलर पहन के दुनिया को उल्लू बनाया वीडियोग्राफी चाहिए, सबको वीडियोग्राफी चाहिए। आपने बंगाल के हावड़ा रेलवे स्टेशन पे चिल्ला चले, उसका भी वीडियो चाहिए कि कैसे आप जनता के लिए चिल्ला सकते हैं। कुशल शासक जो है ना, वो कब क्या कर देगा बिना बोले सब खाल खेल खत्म कर देगा। सब है अपनी जगह। यस दीपक जी, कहाँ थे आप इतने दिन? जी, दूसरे आईडी से ज्वाइन करता था प्रभु जी। दूसरे आईडी से ज्वाइन कर, मैं 4 बार आपका नाम पुकारा, आप नहीं थे, झूठ बोल रहे हो। नहीं, बीच बीच में नहीं था प्रभु जी, मैं आउट ऑफ इंडिया गया हुआ था और वैसे मैं दूसरी आईडी से ज्वाइन कर रहा था। ओके ओके, बोलिए प्रभु जी। आउट ऑफ इंडिया था तो नहीं उठा रहा प्रभु जी। मैं ये जानना चाह रहा था, पहले तो दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। मैं ये जानना चाह रहा था प्रभु जी कि हम इतने सारे शास्त्रों के बाद वेद व्यास ने भागवतम मतलब करा, तो भागवतम पढ़ने का उद्देश्य क्या है? हमारा क्या कारण है कि हम भागवतम पढ़ें, हम धर्म समझें? उद्देश्य क्या है इसका? भागवत की महिमा हमने पहले 3-4 लेक्चर में बहुत अच्छे से बताई है, क्योंकि वहां भागवत की महिमा है। क्यों भागवत ग्रंथ सबसे अलग है? क्योंकि सभी ग्रंथ जो है वो भगवान के बारे में बताते हैं, वो जीवात्मा आत्मा परमात्मा काल प्रकृति सब बताते हैं, परंतु
पूर्णतया भगवान और उनके भक्तों का जो संबंध है, अहेतु की अप्रतिहता, अनन्य प्रेम का जो भाव है, वो दर्शाने में वो कहीं ना कहीं कम रह जाते हैं। यानी या तो वो भगवान फिर आए मदद करके चले गए, ऐसा वाला चीज रहता है, बाकी स्टोरी बड़ा रहता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें केवल भगवान और उनके भक्तों की प्योर महिमा, यानी प्योर भक्ति की महिमा उसमें भागवत में गाई, इसलिए इसको अमल पुराण कहते हैं। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान, ये भागवत जो है अमल अमल है। प्रभु जी भागवत की, ये तो भागवत की महिमा हो गई, ये तो भागवत है ही सबसे डिफरेंट, वो समझ में आया। मैं क्यों पढूं, मेरे लिए क्या उद्देश्य है, मैं ह्यूमन के लिए उद्देश्य पूछ रहा हूं। आओ पहले चार लेक्चर सुन लो, एब्सेंट रहे होगे आप। नहीं नहीं प्रभु जी, मैंने तो आपके लेक्चर्स जो एब्सेंट थे ना वो वाले सुन लो। ठीक है प्रभु जी, सुन लो सुन लो, झूठ मूठ का क्वेश्चन बना के क्यों अपना अटेंडेंस दिखा रहे हो। नहीं नहीं प्रभु जी, इसका क्वेश्चन का एक आगे भी क्वेश्चन था, वो अब आपने बोल दिया, पढ़ लो तो फिर मैं, ठीक है बोलो बोलो। नहीं प्रभु जी, मेरे को जहां तक मैंने आपके शुरू के लेक्चर सुने तो उसमें मेरे को ये पता चला कि भगवत प्राप्ति और भगवान के पास जाना ही हमारा इस जीवन का उद्देश्य है, करेक्ट है ना प्रभु जी? इसलिए पढ़ना चाहिए, बहुत सिंपल, पढ़ना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, अपने जीवन में लाना, यही है ना हमारा उद्देश्य। कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम भी तो लेना है, भगवत प्राप्ति कृष्ण प्रेम, ये अपना अटेंडेंस लगा रहे। नहीं नहीं प्रभु जी, आप पूरा तो सुनिए, आप बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि भगवत प्रेम हमारा उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति हमारा उद्देश्य है, तो इसमें हम जब भी बात करते हैं तो हम वर्ण आश्रम की बात करते हैं, हम इसको आसाम को, मणिपुर को, इनको संभालने की बात करते हैं, तो वो फिर ये हमारा उद्देश्य भटकता है प्रभु जी भगवत प्राप्ति से? देखिए आपको ना, ये लास्ट टाइम भी मैंने इसका जवाब दिया था, और आप एक ही क्वेश्चन बार बार अलग अलग एंगल से पूछते हैं, आपने पूछा भी है बहुत बार पहले, मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आपको बताता हूँ आपका है ना कैसा होता है, मतलब इसमें आपका शायद अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड होने के कारण आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं। युधिष्ठिर, जो भी मैंने बोला, मैंने तो नहीं बोला, युधिष्ठिर महाराज ने बोला है, उसके ऊपर प्रभुपाद जैसे जो महान व्यक्ति है उनके उनसे बड़े और हम वो भी नहीं पाएंगे, वो भी वो परपोट लिखे है, मेरे घर का नहीं लिखा है कुछ भी, मैं तो बाहर का पढ़ता भी नहीं, वही वही पढ़ के और थोड़ा आचार्य की टीका पढ़ के बताता हूँ, मैं तो अपना भी कोई एक्सपीरियंस होता तो एक हाथ दो बताता हूँ। तो पॉइंट क्या है कि इन्होंने लिखा है, मतलब ये सही है, तुम गलत हो ये पहले समझ लो। अगर युधिष्ठिर महाराज और ये लोग इसकी बात कर रहे हैं और प्रभुपाद उसके परपोट लिख रहे हैं और अन्य आचार्य भी उसको समर्थन कर रहे हैं, तो वो सही है और आप कहीं गलत हो ये सोच लो, तो अपने आप में सुधार लाओ। तो ये सोचना कि नहीं नहीं ये तो प्रभु वर्णाश्रम है तो ये गलत है, ये आपकी सोच पहले गलत है, इसके लिए आपको लगेगा फेथ कि हाँ मुझसे विद्वान है प्रभुपाद जी, उन्होंने लिखा है तो जरूर मुझे समझना चाहिए, तो अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों लिखा है। और ये चीज मैंने 100 बार जवाब दिया है और आप ऐसे ही खुजली करते हो, भी मैं जानता हूँ, फिर भी मैं जवाब दूंगा, इसे बाकी लोगों का भला होगा। तो मैं खोज रहा था दीपक किधर है इतने दिनों से, तो सुनो, तो जी मैं लाग लपेट करके प्रश्न नहीं करता ना, इसलिए मैं सीधा सीधा पूछता हूँ। वो मुझे ना वो लॉर्ड्स ऑफ लास्ट बेंच पसंद है, लास्ट बेंच बैठ के जो नोटबुक घुमाते हैं ना डर ऐसा टर करके और मस्ती करते रहते हैं, वो मेरे क्लास के आप हो, अरे वो टीचर और स्टूडेंट का और स्पेशल रिलेशन होता है लास्ट वालों बेंच वालों से, वो कुछ ऐसा पूछते है कि टीचर बोलता रुक जा बॉक्सिंग किट लेके आता हूं। तो सुनो सुनो सुनो, बहुत आपका क्वेश्चन बहुत सही है, आपका क्वेश्चन बहुत सही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जवाब दे दिया था फिर भी मैं दे रहा हूँ कि कुछ लोग नए लोग भी इसमें जुड़े रहते हैं। देखिए एक्चुअली हम कभी कभी क्या सोचते हैं, स्पिरिचुअलिटी मतलब बस हरे कृष्ण राधे 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 राधे, नहीं, आप राधे राधे भी करोगे ना तो भी आपका शरीर जो है ना, जब तक इस धरा पर है, जब तक आपका अस्तित्व इस शरीर और मन से जुड़ा है, तो इनका परिणाम आपके ऊपर होगा ही होगा, समझ रहे? राधे राधे करने से या कृष्ण का नाम लेने से आपको कृष्ण प्रेम जरूर मिलेगा, परंतु इस शरीर के जो बद्ध गुण हैं, तो इस जन्म तक है, ज्यादा देर नहीं, तब तक आपको इसे संभालना होगा, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, तो तब तक के लिए ही वर्णाश्रम है, आपको वर्णाश्रम के नियम तब तक ही पालन करने हैं।
हमारे यहाँ एक ब्रह्मचारी थे तो उनके बेड पे एक माता जी जाके सो गई, उनके परिचित हुए थी। मैं माता जी को बोला कि माता जी एक्चुअली आप ऐसा नहीं जा सकते। प्रभु जी हम लोग आत्मा है ना, क्या प्रभु जी क्या माता जी, आत्मा है कुछ फर्क हमें यहाँ आत्माएं बहुत हो गई है। तो क्या होता है, लोग अपने स्वार्थ इच्छा को पूरा करने के लिए या मनमानी करने के लिए आत्मा स्तर की बातें करने लगते हैं, है ना। आत्मा आत्मा की बात करने वाला व्यक्ति है ना, वो वर्णाश्रम, वो भी वर्णाश्रम को हाईएस्ट लेवल पे फॉलो करेगा। हाँ, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत आता है, ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो, हाँ गोपीर भरतूर पद कमलयूर दास दासानुदास, हाँ मैं जो हूँ भगवान का दास हूँ। तो ये जो वर्णाश्रम है ये बहुत जरूरी है। हाँ, जब आपका कॉन्शियसनेस उस लेवल पे चले जाए, कृष्ण प्रेम में मग्न हो जाए, और जब आपको आपको दुनियादारी जॉब नौकरी ये सब नहीं, सब कुछ है, बस कृष्ण प्रेम चाहिए, तो आप बस तंबूरा लेके बैठ गए हो और कीर्तन कर रहे हो जनपथ पे बैठ गए, तो आपको इस प्रधानमंत्री का काफिला, मुख्यमंत्री का काफिला, जेड सिक्योरिटी कोई बीच में नहीं है, बोला रहे ये बाबा जो है ना ये अनंत काल से गाए जाते हैं, इसको खुद खाने पीने की लालसा नहीं है, इसको पैसा रख दे दूर कर देता है, बस भजन गाता है। तो वो व्यक्ति अगर नियम कानून तोड़ दे तो समझ भी आता है, लेकिन जब शास्त्र बात करते हैं ना तो वो सबको उठाने की बात करते हैं, तो वहां वो हाईएस्ट वाले की बात नहीं करेंगे, सबकी लेके बात करेंगे। तो इसलिए वर्णाश्रम का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और न्याय व्यवस्था होना बहुत जरूरी है, वरना अन्याय फैलेगा, अन्याय फैलेगा, नास्तिकता होगी, भगवान के प्रति जो है श्रद्धा कम होगी, उसका दोष आपको लगेगा, और क्योंकि आप दोषी हो जाओगे तो वो दोष भी आपको भक्ति करने में बाधा देगी, और आपका ही दोष आपको बाधक बनेगा, और फिर आप रोज जो है आपको लग रहा है मैं प्रेम में हूँ, कोई प्रेम में नहीं होगा, आपकी कम्युनिटी में भी वही प्रॉब्लम आएगा, बाहर में बाढ़ आया है तो पानी आपके घर में भी आएगा, हमारे घर तो बहुत अच्छे कृष्ण प्रेम में डूबा है तो पानी लेकिन आएगा, भगवान किसी को नहीं छोड़ते। कार एक्सीडेंट होता है ऐसे नहीं कि ड्यूटी बच जाते, बहुत सारे ड्यूटी जो कार एक्सीडेंट में चले गए, बहुत सारे ड्यूटी जो कोरोना में चले गए, तो ये जब कोई डैमेज होता है तो आपका आप इक्वली रिस्पॉन्सिबल, अन्यथा अर्जुन को क्यों बोलते भगवान जाके युद्ध करो। ठीक है, हरे कृष्णा। यस जी, यस दीपक जी, आपका काउंटर क्वेश्चन बहुत रहता है, बोलिए। प्रभु जी मैं ये कह रहा था कि जब जब हम पांडव सेना बनाएंगे और जब हम पांडव सेना लेके किसी को धर्म सही सिखाएंगे और सही आचरण सिखाएंगे, पांडव सेना का बात हम इस क्लास में नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको बताया है कैसे ऑपरेट करेगा, सुनिए। आप नहीं जानते, आप में से कोई जानता है क्या? नहीं नहीं भाई, जानना चाह रहा था। तो सुनिए 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 दीपक जी प्लीज, जिस चीज का अभी हम मैंने कुछ बोला ही नहीं है ऑफिशियली, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग इमेजिनेशन में ना रहे, आप बस ये समझें कि एक फोरम है जो वर्णाश्रम के लिए काम करता है, जब वो काम करने के लिए आपके पास अप्रोच करेगा बस उसमें आप हेल्प कर सकते हैं, करिए नहीं कर सकते पॉज में रहिए। अभी क्या होता है कि इमेजिनेशन में लोग अपना अपना, हम ये कर देंगे तो ऐसा होने लगेगा, वो कर देंगे तो ऐसा होने लगेगा, ये सब आपकी सोच है। आज दारू बिक रहा है इतना, पहले लोग दारू बेचने वाला सोचता था कि अरे एक बॉटल बेच देंगे तो हमको गाँव वाला आके मारेगा, औरतें हमें मार देंगी, यहाँ का मुखिया हमको मार देगा, आज हर घर में दारू है, वो तो जीत गया। तो वैसे कल मेरी जो सोच है घर घर जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। डर जिनको डर है वो प्लीज करके अपने डरों को ना बताएं, क्योंकि आपको पता ही नहीं मैं क्या करने, और ना इसमें कोई खून खराब है ना कुछ है, लेकिन जो किया है वो खुद झुकेगा, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। ठीक है, अभी उसमें मत जाइए, है ना, आप लोगों को मजे आते हैं मेरे, आप उससे हट के कुछ स्पिरिचुअल भी आ जाइए। ठीक है, यस जगदीश जी। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी, कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिसका गीता भी आते हैं, भगवत गीता के ज्ञान भी है और भगवतम भी पढ़ते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि माता पिता को छोड़ के मतलब बाहर के दुनिया में चले जाते हैं, तो ये ऐसे लोगों को कैसे हम ट्रीट करेंगे, कि माता पिता को कैसे भक्ति करना चाहिए या नहीं? ट्रीट करना है, देखिए आपको ये जज नहीं करना है कि माता पिता को छोड़ के गया नहीं गया, आप उसको अपना जो भक्त, आप साधु है ना, आप उसको हरिनाम दीजिए अपनी तरफ से, आप उसको अहेतु की प्रेम दीजिए, बाकी वो क्यों क्या कर रहा है, हो सकता है उसकी सोच है वैसी,
तो धीरे धीरे उसकी सोच बदल जाएगी। और कई बार जो सोच बनती है वो माता पिता की सोच को देख के बनती है। कई बार माता पिता खुद भोगी होते हैं, मजे मारते रहते हैं, वो बेटा क्यों त्यागी बनेगा, वो भी महामंडलेश्वर भोगी बनेगा, तो उसके महामंडलेश्वर भोग में वो माँ बाप का त्याग कर देगा। त्यागी तो वो बनेगा लेकिन वो माँ बाप का ही त्याग कर देगा। तो इसमें माता पिता का भी हाथ होता है। आजकल के मम्मी पापा बहुत ज्यादा बोलते हैं मेरा बेटा प्रो मॉडर्न है, तो मॉडर्न है तो घर तुम्हें पहले घर से बाहर निकल, ये भी याद रखो। तो लोग दोनों चाहते हैं, मॉडर्नाइजेशन भी चाहते हैं और मेरा बेटा वैदिक अंडरस्टैंडिंग में भी मेरे माँ माँ करे, दोनों नहीं होने वाला है। यस प्रभु जी, प्रभु जी और एक क्वेश्चन है प्रभु जी, बोलिए। हाँ प्रभु जी, बात ये है कि मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन है कि हम मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, श्रील प्रभुपाद का जो प्रिंसिपल हो, श्रील प्रभुपाद जो बोलते हैं उसको फॉलो करते रहते हैं और हम मतलब वैष्णव तिलक लगाते हैं, फिर भी हम जो ये कभी कभी लोग देखते हैं कि सिंदूर की टीका भी लगा देता है, तो इसमें हम लोग को क्या अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्या प्रॉब्लम है? जो टीका भगवान के चरणों में, टीका कहाँ लगता है, जो भगवान के चरणों का सिंदूर होता है वो लगाया जाता है, तो लगाओ ना, क्या दिक्कत है? नहीं वो मतलब अलग टाइप का, वो भगवान का चरण का सिंदूर नहीं है। कोई बात नहीं, पहले उसका श्रद्धा है ना, वो इसलिए धार्मिक रूप से लगा रहा है, तो लगा लो और उसको बोलो कि दादा अगली बार लगाना ना तो ये भगवान के चरणों में थोड़ा पहले लगा देना, फिर सबको लगाना, तो प्रसाद हो जाएगा, तो समझ जाएगा, तो लगाना चालू अच्छा, करेगा। उसको मना कर दोगे तो फिर वो धार्मिक रूप से भी तो टूट जाएगा, अच्छा नहीं। ठीक है प्रभु जी, हरि बोल हरि बोल, धन्यवाद। श्री मई माता, ओके माता जी ऑन करके भाग गए। स्मिता माता, हाँ यस माता, श्री मई माता। प्रभु जी आज गुरुकुल में क्या हुआ 15 अगस्त का, बच्चों ने क्या किया? कौन से गुरुकुल में? आपके गुरुकुल में, रांची वाले। हाँ मैं समझा नहीं, क्या की मैं समझा नहीं। आज 15 अगस्त का क्या हुआ गुरुकुल में, बच्चों ने क्या किया? हर साल हम लोग यहाँ झंडा तो लगाते हैं, इस बार यहाँ पे सिल्ली मुरी मुरी टुंगरी बोलते हैं, मुरी टुंगरी पार्क है, यहाँ बहुत बड़ा पार्क है, तो वहाँ अभी 10:30 बजे हमारे बच्चों ने बिरसा मुंडा का ड्रामा बनाया हुआ है। बिरसा मुंडा झारखंड के इंडिपेंडेंट जो वॉरियर्स थे ना, जैसे हम लोग वीर सावरकर इत्यादि बोलते हैं, तो झारखंड में बिरसा मुंडा को वो स्थान है। तो बिरसा मुंडा पहले क्रिश्चियन मिशनरीज के एसोसिएशन में आ गए थे, फिर वो बाद में उन्होंने इंडिपेंडेंस का लड़ाई किया तो उनको ब्रिटिशर ने पकड़ के अंदर में जेल में डाल दिया था, उनका मौत हो गया था। तो हमारे बच्चों ने ड्रामा प्रैक्टिस किया है वहाँ, आज वही मुरी टुंगरी पार्क है बड़ा, वहाँ यहाँ के MLA आते हैं, तो वहाँ हमारे बच्चे भी सभी जा रहे हैं, वहीं पे राष्ट्रगान होगा, ध्वजा वंदन होगा और वहाँ हमारे बच्चे परफॉर्म करेंगे। वो कहाँ पे देखने को मिलेगा? फिर देखने को चाहिए तो मैं किसी को बोल दूंगा, वो रिकॉर्ड कर देगा, हम लोग आपको भेज देंगे सबको जो ओके ग्रुप है उसमें भेज देंगे, या फिर पता नहीं वहाँ लाइव तो करने दे सकता है क्या, वो MLA हमारे पहचान के बहुत अच्छे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, यूट्यूब लाइव दे देंगे भाषण। हरे कृष्णा हरे बोल, चिंता नहीं करिए, हमको हमारे बच्चों को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना है, ये जो हमारे गुरुकुल के बच्चे ना यही आगे जाके पूरे देश का राष्ट्र को एकत्रित करके रखेंगे, है ना, ये बच्चों का विजन और एंगल बहुत अलग है। हमारे 10th क्लास के बच्चे 25 ड्रामा प्रैक्टिस करें, 25 सबको सब कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम सब सिखाया है, आप जन्माष्टमी के टाइम आपको मिलेगा देखने के लिए। ओके तो जी हरे कृष्णा। आखिरी क्वेश्चन हम लेते हैं, स्मिता माता आपका आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यूट्यूबला एक चांगलं हे मिळालं, त्याच्यामध्ये प्रभुपदजीने सांगितलेलं आहे म्हणजे त्या लिंक मध्ये की हिंदू वगैरे हे आपण जे म्हणतो ना या सगळ्या ह्युमन क्रिएटेड बाउंड्रीज आहेत, त्यांचं म्हणणं असं की वर्णाश्रम, चार वर्ण चार आश्रम हाच बेस होणार आहे, म्हणजे हा झाला पाहिजे त्याच्यामुळे संपूर्ण जगाची व्यवस्था चांगली लागू शकेल, म्हणजे तुम्ही आज जे सांगता ना तर त्या पद्धती। देखिए वर्णाश्रम क्या है, कोई बड़ा चीज नहीं है, आप लोग रह रहे हैं ना घर पे, पति है पत्नी है बच्चे हैं बड़े हैं, समाज है गांव है, गुरु लोग हैं साधु लोग हैं असुर लोग हैं पापी लोग हैं, तो इन सब के बीच में एक ऐसी व्यवस्था है ये कि जो आपको धर्म करने में प्रवृत्त भी करेगी, सामाजिक और आर्थिक रूप से बैलेंस भी बना के रखेगी, रिस्पेक्टफुल भी रखेगी, मन को शांत भी रखेगी और आप अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर वर्णाश्रम पालन नहीं करेंगे
आपको बता रहा हूँ, अगर किसी ने विवाह नहीं किया है, कोई लड़की 16 से ऊपर हो गई है और उसका विवाह नहीं हुआ है, कोई लड़का 20-21 के ऊपर हो गया उसका विवाह नहीं हुआ, देखना चल बिचल होने लगता है, कोई तो गलत काम करने लगता है, फिर वो टेंशन में आता है, फिर उसको मार खाने का डर रहता है, पाप ये वो ताड़ ताड़ एकदम डिप्रेस रहता है, सामने अच्छा सा व्यवसाय दिखता है वो नहीं कर पाता, ऐसा हालत गड़बड़ा जाता है, फिर गड़बड़ हालत में वो क्या भक्ति करेगा और क्या क्या करेगा, उसको समझाने में ही टाइम चला जाता है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर वर्णाश्रम फॉलो किया, उसको आपने बताया कि ये भगवत गीता है, ये जीवन है, तो एकदम सीरियसली फॉलो करता है, तो डिफरेंस है। धन्यवाद प्रभु जी। ओके हरे कृष्ण, आज का टाइम हो गया, आज हम बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत अच्छा। हरे बोल।